बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा माफी एक्सेप्ट नहीं कर सकते पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मामले में। पतंजलि आयुर्वेदा के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बनाए गए एडवर्टाइजमेंट में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में पतंजलि आयुर्वेदा के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया था, लेकिन इससे पहले ही बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी मांग ली थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला ने बाबा रामदेव और आचार्य कृष्ण से हाफ नामा मांगा था और दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि माफी स्वीकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि ये अदालती कार्रवाई है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और ये भी कहा कि एक्शन के लिए तैयार रहे। इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।